दोस्तों ऐसे भी ज्यादातर केस पर मैं ये देखा हूँ, मनी व्यू लोन का जो ईएमआई है हर एक महीने का 5 तारीख को होता है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं ईएमआई अमाउंट को उससे पहले रिपेमेंट कर देना। मतलब ईएमआई का जो डेट है अभी आने में 4-5 दिन या फिर 5-6 दिन बाकी है, लेकिन आप लोग चाहते हो कि भाई साहब तब तक पैसा रहेगा या फिर नहीं, हम पहले से रिपेमेंट कर दे। जो भी हो, किसी भी अलग अलग कारण हो सकता है, बट अपना मकसद है एडवांस ईएमआई अमाउंट को रिपेमेंट करना। सो किस प्रकार से प्रोसेस रहेगा इस बारे में मैं आज आप सबको जानकारी दूंगा। बेसिकली मैं भी ईएमआई अमाउंट को एडवांस रिपेमेंट करने वाला हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मनी व्यू ऐप को ओपन करना पड़ेगा। देखिए एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। मेरा 10,000 का लोन रनिंग है, मतलब मेरा 10,000 रुपीज का एक लोन एक्टिव है जिसका ईएमआई है 1,846 रुपीज करके, जो कि मुझे पर मंथ रिपेमेंट करना पड़ता है और अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है हर एक महीने का 5 तारीख को। लेकिन मैं आप सबको दिखा दूं, आज है सितंबर 3, यानी 5 तारीख अभी भी नहीं आया है। सो इस टाइम पर मैं चाहूं तो मेरा ईएमआई अमाउंट को एडवांस रिपेमेंट कर सकता हूं। एडवांस रिपेमेंट करने के लिए पे नाउ का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ध्यान में रखेंगे 2-3 तारीख इस टाइम तक ही आप लोग एडवांस ईएमआई अमाउंट को रिपेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि 5 तारीख के दिन पर अकाउंट से ही पैसा को डेबिट किया जाता है। ओके, सो रिपेमेंट करने के लिए पे नाउ ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अभी देखिए कितना अमाउंट आप रिपेमेंट करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ये 1,846 यानी जो ईएमआई अमाउंट है वो आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग इससे थोड़ा कम या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट रिपेमेंट करना चाहते हो सो आप लोग कस्टम अमाउंट को चूज करते हुए अलग सा अमाउंट को डाल सकते हो। लेकिन मुझे ईएमआई अमाउंट रिपेमेंट करना है, इसलिए मैं पे वाला ऑप्शन पर रहने देता हूँ। कंटिन्यू ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अभी देखिए पेमेंट करने का ऐसे अलग अलग बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है। मैं चूज कर लेता हूँ यूपीआई। देखिए मैं सक्सेसफुली ईएमआई को पेमेंट कर दिया हूँ। डन पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों ईएमआई अमाउंट को रिपेमेंट करने के लिए एप्लीकेशन के अलावा और भी अलग अलग 3-4 प्रकार का ऑप्शन है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जिस बारे में मैं आप सबको अलग से किसी वीडियो पर जानकारी दूंगा, इसीलिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। और हाँ, वीडियो को इतना तक देखे हो इसका मतलब वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किए हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक बार ईएमआई सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार का एक मैसेज आप लोगों को एडिशनल तौर पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिए रिसीव ईएमआई पेमेंट ऑफ 1,846 रुपीज फॉर सितंबर 2024 इन एडवांस, यानी सितंबर महीने का जो ईएमआई है इसको मैंने एडवांस के तौर पर पेमेंट कर दिया हूँ और सक्सेसफुली वो अपडेट हो भी चुका है, और ये अपडेट आने में लगभग 10-20 मिनट इस प्रकार का समय लगता है।